सर, आज राष्ट्रवादी पार्टी का वर्धापन दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? पहला तो आज के 22 में वर्धापन दिन के माध्यम से मैं मेरे शहर के सभी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको शुभेच्छा देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि आज के वर्धापन दिन के माध्यम से सभी को मार्गदर्शन करके आने वाले दिन में संगठन कैसे बने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हर घर तक कैसी पहुंची, गली कुपचे में मोहल्ले में कैसी जाए, इसके लिए मैं मार्गदर्शन किया। और आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या तैयारियां कर रहे हैं आप लोग, जरा उसके बारे में। आने वाला 22 का जो मेरा भाईंदर कॉरपोरेशन का चुनाव को देखते हुए हम मेन तो बेस हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और संगठन जितना हो सके उतना हम प्रभाग वार्ड और बूथ तक कैसा पहुँचे, ये मेन काम है। इसलिए हमने आज ही सभी लोगों को बोला कि सोशल के माध्यम से, सामाजिक काम के माध्यम से आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने एरिया में डोर टू डोर जाना चालू करो और कार्यकर्ता अपना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर जो है एक कॉस्मोपॉलिटिकल शहर है, सभी जाति धर्मों से पंथों से बना हुआ शहर है, इसमें सेकुलर विचारधारा का बड़ा प्रभाव है। तो आप उनका इंतजार में लोग बैठे हैं, उनके पास जाना की ज़रूरत है। शहर में अभी सर मानसून आ गया है, बारिश की वजह से गटर भर जाते हैं, तकलीफ होती है, तो उसके लिए आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग सभी कार्यकर्ताओं को, मैंने जैसा आज मैंने एक हमारे कार्यकर्ता को आज मेरे स्पीच में उदाहरण दिया कि एक पुलिस रिटायर ऑफिसर कोटे बोल के, कोटे कर बोल के है, उनको मैंने बोला कि आपने अपनी जो पोस्ट मिली है उसके माध्यम से अपने अपने एरिया में जाओ, गटर नाले का सर्वे करो और उस हिसाब से महापालिका करस्पॉन्डिंग चलो चालू करो, और उन उन अधिकारी को मिलके नाला सफाई हो या आरोग्य, बारिश के टाइम में आरोग्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान जरूरी है, और अभी की जो महामारी है उसको देखते हुए और ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हमने हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना वजह विनंती सबको कर दिया है। भारती जी, आज राष्ट्रवादी पार्टी का वर्धापन दिवस मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप जरा? देखिए, आज हमारे राष्ट्रवादी परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारा फाउंडेशन डे हम पूरे भारत में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी सब आज ये खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुशियों में थोड़ी कमी भी है, बिकॉज हमने बहुत बुरी आपदा देखी है और हमारे पहचान से, फ्रेंड सर्कल, रिलेशन, बहुत सारी जगह अपनों को खोया है, तो उसका गम भी है। ये वर्धापन दिवस हम मनाने के साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी परिवार, हर एक घर में पहुँचे, उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करें, और हम समाधान करने के पूरे लिए उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीम अभी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, और मीरा भाईंदर के लिए खासकर हम हर घर में पहुंचेंगे, हर समस्या का निपटारा करेंगे, हर गरीब आदमी के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हमारा ऑफिस वर्किंग आवर्स में चालू है, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। देशवासियों, शहरवासियों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, किसी को कोई भी समस्या है हमारा जो हेल्पलाइन नंबर, उस पर फ़ोन करो, 24/7 हम आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं।